अच्छा, आपने BHU की बात करी, उसकी प्रतिक्रिया क्या थी आपकी जब आपको पता चला कि क्या हुआ, और VC उसको उसके बाद भी जस्टिफाई कर रहे थे, जो फिर कि पकड़े गए ना। हैरानी की बात थी बहुत ज्यादा कि लड़कियों पे हमला हो रहा है और आप जस्टिफिकेशन की कोशिश कर रहे हैं। पर अब फनी बात तो ये कि मुद्दा क्या है, लड़कियां बोल रही कि हमें छेड़ा ना जाए, हम पढ़ ले। अभी अगर मैं यूपी में बोलूं कि लड़कियां ऐसे बोल रही है और अपने पूरे सिस्टम के बारे में कंप्लेन कर रही है, और कंप्लेन जहां करने जाती है वहां उनकी उन पे लाठियां बरसाई जाती हैं, तो क्या होगा? जो भी बात है, देखिए, वायलेंस इज नेवर द सोल्यूशन, इट्स नेवर द सोल्यूशन। ये सेम प्रॉब्लम हरियाणा में आ रही है, जहाँ स्कूल की लड़कियां बोलती हैं कि हम स्कूल जाने में सेफ नहीं महसूस करते, बिहार में आ रही हैं। तो एक समाज में ही प्रॉब्लम है ना। और मैं बोल रही हूँ भाई, तुम ये ऐसे ही शुरू होता है। अभी अगर डाउट है ना, तो 1970s या 60s के अफगानिस्तान की फोटोज निकाल के देख लो। तालिबान के आने से पहले सोसाइटी कितनी फ्री थी, ईरान की, बिल्कुल, अफगानिस्तान की, ईरान दोनों की। की, सीरिया की। तो ये सब ऐसे ही शुरू होता है। तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि अब हमें आज़ादी की आदत हो गई है, बहुत साल हो गए, ठीक है, 1947 से अब तक, और मुकाबला नहीं कर पाएंगे ट्विटर, स्नैपचैट और फेसबुक और ये अजीब अजीब जो बातें हो रही हैं उनकी। जो भी बात है, आप पिटाई कैसे कर सकते हैं लड़कियों की? कम ऑन।